वडोदरा से देवरिया रेलवे स्टेशन पर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचे लगभग 1200 यात्री। आज 11 मई को वडोदरा से जनपद के देवरिया स्टेशन पर आने वाले श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों के व्यवस्थाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमित किशोर एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र के द्वारा पुलिस प्रशासनिक एवं रेलवे के अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया तथा एक एक आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से विचार कर स्थलों का भी जायजा लिया गया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि कल शाम 9 बजे यह ट्रेन वडोदरा से चली थी तथा आज शाम लगभग 6:47 पर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जिसमें देवरिया सहित आसपास के विभिन्न जनपदों के यात्री आए, जिनका यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग आदि कराने के साथ ही उन्हें जनपदवार बसों से भेजा गया। उन्हें नाश्ता, भोजन आदि उपलब्ध कराया गया। डीएम अमित किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, रेलवे विभाग सहित अन्य विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने के जरूरत के साथ जिलाधिकारी ने इसके लिए पूरी टीम लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भी कई ट्रेनें आएंगी। जिलाधिकारी ने आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा को लेकर पर्याप्त बैरिकेडिंग, स्क्रीनिंग एवं भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश के साथ कहा कि इसके लिए समुचित व्यवस्था से सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को स्क्रीनिंग के लिए चिकित्सकों की पूरी टीम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग के न जाए। उन्होंने रेलवे विभाग को प्रशासन सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाए रखा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने R0P0F0G0R0P0 एवं पुलिस विभाग को आपसी समन्वय से सुरक्षा सहित अन्य एहतियाती उपायों का अमल कराने जाने का निर्देश दिया। आज 3 ट्रेनें आनी हैं, जो सूरत से आएगी, वडोदरा से आएगी। पहली ट्रेन है और इसमें करीबन 1250 पैसेंजर्स हैं। सर्वप्रथम उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसमें जो लोग सिम्टोमेटिक होंगे, जिनका कोई भी लक्षण नहीं होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे। जिले वाइज यहाँ बसेज लगाई गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे लोगों को खाना, टिकट और अन्य चीज़ें जो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, एक ताकि किट भी दे रहे हैं हम लोग, तो वो करते जाएंगे और उनको हम लोग बस में व्यवस्थित करके तीनों बसेस की जो यात्री हैं उनके संबंधित जनपद में, जो देवरिया जनपद के लोग हैं, उनको हम लोग अपने जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन है वहाँ हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग उनको रखेंगे और साथ ही साथ उनको जो राशन पैकेट सरकार की सर, ये सजावट जो हुआ है इसका क्या उद्देश्य है, जो मौजूदा प्रभाव क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जो है ये बहुत हम सब प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं और शासन के भी निर्देश प्राप्त हैं कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। आप देख रहे हैं कि टेंट लगाया गया, क्योंकि अगर दिन में ट्रेन आती है तो वहाँ कोई असुविधा ना हो और पूरी व्यवस्था जो है स्वागत में जी जी